हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डिजिटल डायरीज। और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक मज़ेदार से, क्रिस्पी से और अलग से चिकन के स्नैक्स की रेसिपी, जिसका नाम है चिकन बटरफ्लाई, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। और अगर आपके घर कोई गेस्ट आते हैं और स्टार्टर में आप इसे बनाते हैं तो सबको ये बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम बॉनलेस चिकन लिया है, जिसे छोटे साइज में कट कर लिया है। फिर इसमें एक चम्मच हरा मिर्चा का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, आधा नींबू का रस, आधा कटोरी दही, एक चम्मच सोया सॉस, दो चम्मच कॉर्नफ्लोर और आधा चम्मच फूड कलर डालकर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। फूड कलर डालना इसमें टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो फूड कलर डाल सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फिर एक बाउल में दो चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक मिक्सचर बनाएंगे। हमें आलू को पतला पतला स्लाइस करके कट कर लेना है। सबसे पहले आलू के एक स्लाइस को कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर में डीप करना है। फिर इसके ऊपर एक चिकन का पीस रखेंगे, फिर एक पिक लेकर इसके अंदर इंसर्ट करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने किया है। हमारा एक चिकन बटरफ्लाई तैयार हो गया है। इसी तरह बाकी बचे आलू के स्लाइस को पहले कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर में डीप करेंगे, फिर इसके ऊपर एक चिकन का पीस रखेंगे, फिर एक पिक लेकर इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। ये जो छोटी छोटी पीक है किसी भी स्टोर में मिल जाएंगी आपको। इसी तरह से सारे बटरफ्लाई को हमें तैयार कर लेना है। हमें इन बटरफ्लाई को डीप फ्राई करना है, तो एक कढ़ाई में रिफाइन ऑयल गर्म करेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब इन बटरफ्लाई को डालकर फ्राई करेंगे। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाए तो इन्हें पलटकर दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे। 12 से 14 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। फ्लेम को हमें बहुत हाई नहीं करना है, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे और चिकन जो है अंदर से कच्चा रह जाएगा। आलू को जो हमने कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर में लगाया था, उससे ये हुआ कि हमारे जो स्नैक्स हैं बहुत अच्छे फ्राई होंगे और आलू जो है जलेंगे नहीं, और चिकन भी अच्छी तरह से नरम हो जाएगा और आलू भी क्रिस्पी रहेंगे। हमारे बटरफ्लाई अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितने सुंदर दिख रहे हैं, तो अब हम इन्हें सर्व करेंगे। सो लीजिए गाइस, हमारा चिकन बटरफ्लाई बनकर तैयार हो गया है और मैंने इसे सॉस के साथ सर्व किया है। ये देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं, खाने में उतने ही क्रिस्पी, टेस्टी और डिलीशियस है। तो आप भी अपने फ्री टाइम में इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।